स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप SEO की या गूगल की लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं, कहां से आपको ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी ताकि आप मार्केट में अहेड रहें, चीज़ों को अप्लाई करें और अपने कॉम्पिटिटर से तेज़ी से आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए नए आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए और नए नए एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से पता करोगे, ये इस वीडियो में हमने आपको बताया है। और SEO के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज 600 के आसपास वीडियोज़ हैं चैनल में लेटेस्ट, और इस साल हम आपको 1000 के आसपास वीडियोज़ देने जा रहे हैं ताकि आप लोग इनडेप्थ प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, SEO में और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट रहना है, आपको चीज़ों का पता रहना चाहिए, अगर आपको प्रोग्रेस करना है, रैंकिंग लानी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है, या मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से अहेड रहना है, तो मैं आपको SEO के लिए, गूगल एल्गोरिथम्स के लिए 4 बेस्ट वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ, ट्रस्टेबल वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ, जो हर SEO वाले को या जो अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं या गूगल पे बहुत ज़्यादा वो एडवर्टीजमेंट करते हैं या उनके बिजनेस को उनको ऑनलाइन प्रमोट करना है, तो इन 4 वेबसाइट्स को आपको रेगुलर अपने टच में रखना है, उस पर आपको अपडेट्स और एल्गोरिथम्स देखते रहने हैं। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको साइट बता रहा हूँ। पहला जो वेबसाइट है दोस्तों, moz.com पे आप गूगल के एल्गोरिथम्स सारे के सारे देख सकते हो, अपडेट्स देख सकते हो एल्गोरिथम्स के संग संग, और ईयर सेलेक्ट कर सकते हो किस ईयर में कौन सा आया था, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। दोस्तों, है क्या, अगर गूगल के या SEO से रिलेटेड आपको एल्गोरिथम्स पता हो तो आपको पता रहेगा कि गूगल अब कैसे वर्क कर रहा है, क्या चेंजेस लेकर आया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट में और अपने ऑनलाइन काम करने के तरीके में चेंज कर सकते हो, जिससे कि गूगल को सबसे पहले वही चीज़ें, साइट्स या चीज़ें पसंद आती हैं जिसमें गूगल के अकॉर्डिंगली और एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंगली या अपडेट्स के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं और वो उसको फॉलो करती हैं। इससे रैंकिंग भी आती है, आपको प्रायोरिटी भी मिलती है, ट्रैफिक भी आता है। तो एक साइट है मोज, ठीक है दोस्तों। ये 4 वेबसाइट्स पर आप बस नज़र बनाए रखोगे और जो अपडेट्स आएंगे उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों आपको। ये एक और साइट है दोस्तों, सर्च इंजन लैंड। इसमें आप SEO से रिलेटेड अपडेट्स देख सकते हो, आप SEM सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड देख सकते हो, मोबाइल, गूगल से रिलेटेड देख सकते हो, बैंक से। तो ये वेबसाइट बहुत ही रिनाउंड और ट्रस्टेबल साइट है जिसमें आप लेटेस्ट छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गूगल, SEO, SMO, इन सब के अपडेट्स देख सकते हो, जानकारी पा सकते हो। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ने की जो की है वो एक ही है, वो है अपडेट रहना, ठीक है। तो ये एक और वेबसाइट है। अब हम तीसरी वेबसाइट पे आते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट है सर्च इंजन जनरल्स। इस पे आपको SEO, PPC, सोशल मीडिया और इनसे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल, ब्लॉग्स मिलेंगे आपको। इस पे नए नए एल्गोरिथम्स, नए नए आपको इसके ऊपर जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी और इससे आप बेनिफिट उठा पाओगे अपना। और दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अपने आप को रोज अपडेट करें, पढ़ें, तो आप कभी पीछे रह ही नहीं सकते, आप हमेशा अहेड रहोगे अपने कॉम्पिटिटर से। और चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, पढ़ना इम्पोर्टेंट है बट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना भी तुरंत, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखो एल्गोरिथम्स बताए हुए हैं, फ्रेड, हमिंग बर्ड, ये बहुत मतलब पांडा, ये जो एल्गोरिथम्स या अपडेट्स आए थे ये बहुत मेजर अपडेट्स थे,
और इन सब के बारे में भी आप अलग से जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करीजिए। इस तरीके से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। हमिंगबर्ड क्या था, क्या इसके इफेक्ट थे, क्या इम्पोर्टेंस है इस अपडेट की। तो इस तरीके से दोस्तों आप बारीकी और डिटेल्स जान सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर कोई 25 अक्टूबर को अभी लास्ट अपडेट आया, ब्रेड अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया दोस्तों SEO के अंदर और गूगल के अंदर, तो इसको पढ़िए। और इसमें क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अब फोकस कर रहा है गूगल, जिससे कि लोग एक जनरली क्या होता है, मैं समझाता हूँ शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल क्या होता है। मैंने डाला ट्रेवल एजेंट, इट इज़ अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। मैंने डाला ट्रेवल एजेंट इन प्रीत विहार दिल्ली, इट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस ज्यादा रहेगा, उससे लीड जनरेशन इंक्वायरी ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो ये अपडेट पढ़िए और इसके हिसाब से अपने SEO में आप चीजों को बदलाव कीजिए। और दोस्तों फोर्थ है searchmetrics.com। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी गूगल के अपडेट्स उन्हीं साइट्स की तरह आप देख पाओगे। और इन सारी जानकारियों को पूरा आपको देखना है तो यहाँ पर जैसे अपडेट आया, इसकी पूरी डिटेल लेनी है, क्लिक कीजिए तो इसकी पूरी डिटेल जाके आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो डिटेल में, जिस भी आप एल्गोरिथम या अपडेट के बारे में जानना चाहते हो। दोस्तों ये हमने मतलब 20 वेबसाइट्स हम लोग रेगुलर देखते हैं, समझते हैं, उसमें से मैंने बेस्ट मतलब 4 बस आपको निकाल के दी हैं। आप इन पे आओ, इनको पढ़ो, देखो, और जो आपको ज़्यादा सही लगे, ज़्यादा आपको यूज़र फ्रेंडली लगे, आप उसको यूज़ करो। तो ये आदत बनाइए SEO में, और गूगल से अगर आप जुड़े हुए हो कि उसके अपडेट एल्गोरिथम्स को फटाफट फॉलो करो, फटाफट इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट देखो, एक्स्ट्रॉर्डनरी आएंगे। इन सारी वेबसाइट्स के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आज हमने जाना कि अपडेट्स हम कहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन मेरे थ्रू सीखना चाहते हो डायरेक्ट मेरे से, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो या हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।